नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए, असीमित कामयाबी के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, उनमें से वन ऑफ द की स्किल्स इज इन्विटेशन स्किल्स। लोगों को अपने वेबिनार्स के लिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए, ऑफलाइन मीटिंग्स, इवेंट्स, प्रोग्राम्स में बुलाने का जो स्किल है ना, दिस आई कॉल एज हाई इनकम स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टॉप 1% इनकम अर्नर्स को बाकी सारे नेटवर्क मार्केटर्स से अलग करने वाला स्किल है इन्विटेशन स्किल। इट्स अ डीप सब्जेक्ट एंड इट नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस सब्जेक्ट इन फुल डिटेल, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डिमांड किया था, तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस क्विक वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 5 बेस्ट आइडियाज फॉर इनवाइटिंग पीपल फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीटिंग्स। और ये जो आइडियाज़ हैं वो मैंने कई साल तक इस्तेमाल किए, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स ने, ऑनलाइन कोर्स पार्टिसिपेंट्स ने इस्तेमाल किए एंड दे हैव गॉट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। और जैसा मेरे सारे वीडियोस में होता है, इस वीडियो में भी जो मैं आपको देने वाला हूँ दे आर ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड यू विल गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स। एक बात मेरी आप ज़रूर याद रखिएगा, आपने मुझे बहुत बार इस बात को कहते हुए सुना होगा, इट्स नॉट अबाउट इन्विटेशन अलोन, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग अलोन, इट्स नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन अलोन, इट्स अ प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। लिस्ट बनाना, फिर सेलेक्ट करना, फिर क्वालिफाइंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो थ्रू करना, सेल्स, क्लोजिंग और फिर लोगों को सही तरीके से बिजनेस में टेक ऑफ कराना। इट्स एन एंटायर प्रोसेस, यू नीड टू मास्टर द एंटायर प्रोसेस। एंड आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी किताबें पढ़ते हैं, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के आप पार्टिसिपेंट हैं और मेरा मानना है आप इस पूरे प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसके लिए मैं आपको जल्दी से यहां दे रहा हूं 5 पावरफुल क्विक आइडियाज टू इनवाइट पीपल फॉर योर इवेंट्स। हाय, दिस इज दीपक बजाज, क्रिएटर ऑफ #1 ऑनलाइन कोर्स फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन बिजनेस मास्टरी, एंड हियर आर योर 5 क्विक टिप्स फॉर क्विक इनविटेशन। #1, कीप इट शॉर्ट। आपका इनविटेशन छोटा सा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत बार हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके साथ हम पिछले काफ़ी समय से बातचीत नहीं किया हुआ हमने, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक। आप कैसे हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, जितनी चाहे उतनी बात करो, लेकिन इनविटेशन तुम्हारी बातचीत के लास्ट 2 से 3 मिनट में होना चाहिए। इनविटेशन हैज़ टू बी रियल क्विक, शॉर्ट एंड प्रिसाइज। नेटवर्क मार्केटिंग इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है ना कि इसको आप 3 मिनट में, 5 मिनट में फोन पे यूं ही चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए नहीं समझा सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी भी काम को अगर आपको किसी को ठीक से समझाना है, यू नीड टाइम, यू नीड मेंटल स्टेट एंड देयर इज अ राइट वे ऑफ डूइंग इट। सो वी विल डू इट इन द राइट वे, बट राइट नाउ टाइम इज फॉर इन्विटेशन। और एक बात याद रखिएगा, इन्वाइट करना है, प्लान नहीं समझाना है, इनवाइट करना है, प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं बतानी है। सो कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल एंड कीप इट प्रिसाइज। और दूसरी चीज, इफेक्टिव इनविटेशन के लिए आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। सवालों के जवाब सवालों से दीजिए। देखिए, अगर आपने ठीक से प्रोसेस फॉलो किया है और आपने ठीक से प्रोस्पेक्टिंग किया है, क्वालिफिकेशन किया है, तो फिर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, इनविटेशन बिकम्स ऑटोमेटिक। स्टिल अगर आप कहीं चूक गए और आपने इन्वाइट कर लिया एंड इफ दे हैव सम डाउट्स, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। एक उदाहरण देखिए, आपको जल्दी से समझाता हूं। एक कॉमन क्वेश्चन जो सामने वाले आपसे पूछ सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। आपका जवाब अब क्या रहना चाहिए? आप ये नहीं बोले हाँ, हूँ, बताऊँ, ना बताऊँ, कुछ नहीं। सामने वाले ने पूछा ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैं उसको आगे से क्या पूछूंगा? अरे वाह, आप नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, व्हाट हैव यू डन इन नेटवर्क मार्केटिंग बिफोर? आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? अब वो मुझे कुछ बताना शुरू करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग के उनके एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आई विल इनवाइट। एंड वो सारे लोग जो ये बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वो सबसे पहले आते हैं। नंबर 3, चॉइस ऑफ टाइमिंग। चॉइस ऑफ टाइमिंग। अपने प्रोस्पेक्ट्स को 2 टाइम के ऑप्शंस दे दीजिए और अब उनको चुनना है कि वो, मान लीजिए, संडे को सुबह 11 बजे आना पसंद करेंगे या मंगलवार को, ट्यूसडे को शाम को 7 बजे आना पसंद करेंगे। अगर आपने उन्हें सिर्फ एक टाइम दिया, बोले तो संडे सुबह 11 बजे, और अगर उन्होंने बोल दिया वो बिजी हैं, अब आपको उनसे पूछना पड़ेगा अगली बार वो कब फ्री हैं, और वो फ्री कभी होंगे नहीं, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, ऐसे करके बात टल जाएगी। अगर आपकी इन्विटेशन है, आप संडे सुबह 11 बजे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या ट्यूसडे शाम को 7 बजे, वो दोनों में से जो भी चुन लें, आपके फेवर में ही बात होने वाली है। और मैंने अधिकांश केसेस में ये देखा है कि जब आप 2 ऑप्शन देते हैं तो आपको दोनों में से किसी ना किसी डेट की अपॉइंटमेंट ज़रूर मिल जाती है। और एक और मज़े की बात बताऊं आपसे, जब आप किसी को चॉइसेस देते हैं ना, दे फील वेरी हैप्पी, दे फील दे आर डिसाइडिंग, दे फील इन कंट्रोल। सर आप बताइए आप कब आना पसंद करेंगे दोनों में से, यू नो। सो देन ना सिर्फ वो दोनों में से एक चीज पे आपको कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट देंगे, बल्कि आने की संभावना भी उनकी कई गुना बढ़ जाएगी। इफेक्टिव इन्विटेशन के लिए चौथा स्मार्ट आइडिया, 2 डेज रूल। 2 डेज रूल, 2 दिन का नियम। देखिए आप ये बात जानते हैं, सिर्फ इनवाइट करने से बात नहीं बनेगी, यू नीड टू सेंड देम रिमाइंडर्स। लेकिन अगर आपने लोगों को इन्वाइट ही 2 दिन पहले किया तो फिर उसमें रिमाइंडर क्या। और अगर आप 2 दिन पहले इन्वाइट कर रहे हैं तो उन्हें भी याद रहता है कि 2 दिन के बाद में जाना है। आप उनका कैलेंडर ब्लॉक करा सकते हैं और आपको क्विक सा रिमाइंडर एक दिन पहले या उस दिन सुबह भेजना है। मैटर ओवर, आने के चांसेस उनके कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर वो बिजी होंगे तो वो आपको मना कर देंगे साफ साफ, क्योंकि 2 दिन के बाद है। तो यू नो उन पर भी प्रेशर है इस बात के लिए कि अब वो सच बताएंगे कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिकॉज 2 दिन पहले तो सबको पता होता है कि 2 दिन के बाद आपका शेड्यूल कैसा है। तो अगर आप 2 दिन पहले इन्वाइट करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा और आपके प्रोस्पेक्ट के मीटिंग में आने की संभावना, आपकी जूम मीटिंग, आपका वेबिनार, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा और लास्ट, दिस इज माय फेवरेट, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। जब मैं किसी को इनवाइट करता था ना, मैं उनको ये बात जरूर बोलता था, इट्स अ नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। मुझे नहीं मालूम जो प्रपोजल मैं आपको देने वाला हूं या मेरे दोस्त आपको देने वाले हैं वो आपके लिए है भी या नहीं, या आप उसके लिए हैं भी या नहीं, ये तो वहां जाकर चलेगा पता। बट मुझे ऐसा लगा आपके साथ मैं शेयर करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बुला रहा हूँ। लेकिन आने का मतलब आप ये मत मानिए कि आपको हाँ करनी है या सामने वाला आपके साथ ये प्रपोजल पे एग्री करेगा या नहीं करेगा। और जब आप ये बोल देते हैं ना, नो ऑब्लिगेशन नो ऑब्लिगेशन नो ऑब्लिगेशन, तो उनके कंधों से ना बोझ हट जाता है, यू नो, इट ईजीज ऑफ द प्रेशर। और इन्विटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है बिना सवालों के, क्योंकि आप तो कुछ मांग ही नहीं रहे, यू आर सेइंग नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। तो जल्दी इन्वाइट कर पाएंगे आप, प्लस उनके आने के चांसेस और खुशी खुशी आने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये थे 5 आइडियाज अपने मीटिंग इनविटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इन आइडियाज को अप्लाई करिए और एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लीजिए। कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा आपको इन 5 में से कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा शानदार लगा। अगर आप इसके बारे में और कुछ डिस्कस करना चाहें तो जब चाहें आप, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। आई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल योर डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई हैव ओनली वन गोल माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल। एवरीथिंग आई डू, चाहे वो मेरी किताबें हो, वर्कशॉप्स हो, वीडियोज हो, ऑनलाइन कोर्सेज हो, एवरीथिंग आई डू, आई हैव वन गोल, योर सक्सेस। आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल। आपने दुनिया में एक सबसे शानदार प्रोफेशन चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जब तक मिलेनियर ना बन जाए तब तक छोड़िएगा मत। कीप शाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लव यू गाइस।